स्टूडेंट, आप सभी लोग घर पर सेफ होंगे। आज हम स्टैंडर्ड 8 का हिंदी 2 का लेसन नंबर 9 कार्ड सीखेंगे, जिसमें अभी तक हमने संज्ञा जो आपको लास्ट वीडियो में दी गई है, उसका फिर से रिवाइज कर लूँगी। संज्ञा वचन और लिंग, तो संज्ञा किसी वस्तु व्यक्ति के नाम को कहते हैं। लिंग लिंग जो है कि अब हमें जो शब्द से पता चलता है ये स्त्री है या पुरुष, उसे लिंग कहते हैं। और वचन तो जो भी वस्तु के एक या उससे अधिक होने का ज्ञान करते हैं। नेक्स्ट जो है हमारा कार्ड, अब इसको एग्जाम्पल के थ्रू मैं आपको बताऊंगी कि सबसे पहले तो किसी भी चीज को संज्ञा या सर्वनाम, तो उस चीज में हमें जब पता चलता है कि उसका क्रिया से क्या संबंध है, तो उसे हम क्या कहते हैं, कार्य। उसको मैं एग्जाम्पल के थ्रू आपको बता रही हूँ। यहाँ पर आपको बताऊं कि यहाँ पर देखो एग्जाम्पल दिए हैं, वाल्मीकि ने रामायण की रचना की, नेहा के द्वारा फल काटे गए, मयंक हवाई जहाज से मुंबई गया, घोंसले में पक्षी है। तो ये सब क्या है जो डार्क हैंडराइटिंग से है, ने के द्वारा से, फिर यहाँ पर नम्रता माँ को पत्र लिख रही है, बेटा माँ के लिए उपहार लाया, अमित सुमित का सगा भाई है, तो को के का, ये जो वर्ड्स है वो क्या है, कारक कहते हैं उसे। अब यहाँ पर कारक की डेफिनेशन जो है वो पहले हम लोग अच्छे से मिले। संज्ञा और सर्वनाम का वर्ग कारक कहलाता है जो उसका संबंध वाक्य में प्रयुक्त क्रिया आदि अन्य शब्दों के साथ स्थापित करता है। यहाँ पर बुक में भी आपको ब्लू जो बॉक्सेस में एंट्री है, संज्ञा या सर्वनाम का जो रूप वाक्य के अन्य शब्दों के साथ उसका संबंध प्रकट करता है उसे कारक कहते हैं। कारक के 8 भेद है। सबसे पहला कर्ता कारक, कर्म कारक, करण कारक, संप्रदान कारक, अपादान कारक, संबंध कारक, अधिकार कारक और संबोधन कारक। अब इसको बताने के लिए यहाँ पर जो बॉक्स दिया है वो बॉक्स भी आपको याद करना है। उसमें वर्ड्स दिए हैं कि कौन सा कारक क्या बताता है। कर्ता, तो उसमें क्या आएगा, कर्ता यानी कोई भी करने वाला, काम करने वाला, तो उसमें ने। कर्म यानी कोई भी काम होता है उसमें क्रिया, तो उसमें को। करण कारक है तो वो किसके द्वारा हुआ है, तो उसमें से या के द्वारा का उपयोग होता है। अपादान कारक, अपादान कारक है किसके लिए किया गया है। संप्रदान कारक, तो को के लिए, उसमें अपादान जो अलग होने का अर्थ बताते हैं उससे। संबंध कारक जो है वो संबंध बताता है, अधिकरण में या पर। और संबोधन कारक है उसमें हे ओ अरे, वो वर्ड्स भी मैंने बोर्ड पर लिखे हैं। अब मैं आपको थोड़ा डिटेल में बता दूं। कर्ता कारक, तो संज्ञा या सर्वनाम का जो रूप क्रिया के करने वाले का बोध कराता है उसे कर्ता कारक कहते हैं। कर्ता कारक का चिन्ह है ने, परंतु कभी कभी बिना चिन्ह के भी क्रिया होती है। दिव्या ने श्रेया को कहानी सुनाई, दिव्या श्रेया को कहानी सुना रही। अब इसमें ने का प्रयोग नहीं हुआ है, फिर भी इसमें ने जो है वो दिखाई देता है कि दिव्या ने श्रेया को कहानी सुनाई। उसके बाद कर्म, तो संज्ञा या सर्वनाम का जिस रूप पर क्रिया के होने का या करने का प्रभाव पड़ता है, क्रिया किसने की है उसका प्रभाव पड़ता है। जैसे रोहित पिल्ले को ले आया, रोहित वह पिल्ला ले आया, तो दोनों में मीनिंग सेम है और हिंदी यानी ग्रामेटिकली भी सही है दोनों सेंटेंस। और इसमें को का प्रयोग हुआ, इसमें को का प्रयोग नहीं हुआ है। करण कारक, तो संज्ञा या सर्वनाम का जो रूप कर्ता के साधन का बोध करवाता है, अर्थात कर्ता जिसकी सहायता से क्रिया को पूरा करता है उसे करण कारक कहते हैं। करण कारक का चिन्ह के द्वारा या से है। उसमें जो है सर्वनाम एवं संज्ञा का रूप किससे होता है, किसी साधन से। जैसे रमा ने साइकिल से 16 किलोमीटर की दूरी तय की, किससे की, तो साइकिल से। तो ये जो है वो क्या हुआ, करण कारक, साइकिल जो है वो सरकरण हुई। संप्रदान कारक, तो संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से यह ज्ञात हो कि उसके लिए
किया जा रहा है अथवा उसे कुछ दिया जा रहा है उसे संप्रदान कारक कहते हैं। राम ने विभीषण को लंका का राज्य सौंप दिया। यहाँ को का प्रयोग होता है या फिर के लिए, तो राम ने विभीषण के लिए लंका का राज्य दे दिया। अपादान कारक संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से किसी वस्तु के अलग होने का बोध होता है, वो वस्तु उससे अलग है। तो पेड़ से पत्ते गिर रहे हैं, पेड़ अलग है, पत्ते उसमें से गिर रहे हैं। गंगा नदी हिमालय से निकलती, कहाँ से निकलती है? हिमालय से। इसमें से का प्रयोग होगा। संबंध कारक, तो संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से दूसरे संज्ञा शब्दों के साथ संबंध ज्ञात होता है उसे संबंध कारक कहते हैं। संबंध कारक चिन्ह का का, की, के या री, रा, री, रे होता है, ये वर्ष का प्रयोग होता है। श्री कृष्ण वासुदेव की आठवीं संतान थी। अधिकरण कारक संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से क्रिया के आधार स्थान या समय का बोध हो उसे अधिकरण कारक कहते हैं। इसका चिन्ह में या पर है। जंगल में अनेक पशु पक्षी रहते हैं, कहाँ रहते हैं? जंगल में। संबोधन कारक, तो किसी को पुकारने का, जब हम किसी को बुलाते हैं, हे प्रभु, काश, बालक, दोस्तों, संबोधन यानी किसी को बुलाना, तो उसे संबोधन कारक कहते हैं। अब आपको बुक में मैं अच्छे से बताती हूँ, आपको पता चलेगा। पहले यहाँ पर देख लीजिए, ये है कारक का डेफिनेशन, लेसन नंबर 9 हमारा, हिंदी 2 स्टैंडर्ड 8, और इसमें इसके भेद मैंने लिखे हैं। अब यहाँ पर से अच्छे से समझिए विद एग्जांपल। सबसे पहले तो देख लीजिए हमारा पेज नंबर 70 पर ये आएगा। यहाँ पर ने के द्वारा से, यहाँ पर माँ को, के लिए और का, अरे, ये जो है वो क्या है, जो कारक के एग्जाम्पल है। कारक इस तरह से प्रयोग होता है। ये हमारी डेफिनेशन। संज्ञा या सर्वनाम का वो रूप जो अन्य संबंधों के साथ उसका संबंध प्रयुक्त करता है उसे कारक कहते हैं। ये है कारक के 8 भेद। पहला है कर्ता कारक, उसमें ने का प्रयोग होता है। दूसरा है कर्म कारक, उसमें को का प्रयोग होता है। तीसरा है करण कारक, उसमें से द्वारा का प्रयोग होता है। दूसरा है अपादान, उसमें से का प्रयोग होता है। संप्रदान में को के लिए। ओके स्टूडेंट, अभी तक हमने बोर्ड पर लिखा, अब मैं आपको बुक में बताती हूँ। पेज नंबर 70 पर जाइए, लेसन नंबर 9 कारक। अब यहाँ पर आपको जो है कारक का डेफिनेशन दिया गया है। संज्ञा या सर्वनाम का वो रूप जो वाक्य के अन्य शब्द के साथ उसका संबंध प्रकट करता है। यहाँ पर बहुत अच्छे से समझाया गया है, मैंने पहले भी बताया, फिर अभी अच्छे से देख लीजिए कि वाल्मीकि ने रामायण की रचना की, तो ये ने जो है वो क्या है, कारक है। नेहा के द्वारा फल काटे गए, किसके द्वारा? के द्वारा, तो ये कारक है। ये इसमें से कारक है, इसमें नम्रता माँ को कारक है, इसमें के लिए कारक है, सुमित का, सगा भाई का, और इसमें अरे, ये 8 के रूप दिए गए हैं। यहाँ पर कारक के सबसे पहले तो आपको डेफिनेशन इसकी याद कर लेनी है। मेन जो थिंग्स है इसमें वही मैं आपको बता रही हूँ। अब इसमें जो है वो हमें बहुत अच्छे से एक जो है वो टेबल दिया गया है, इसमें सारे कारक के रूप जो भेद है वो, और उसको कौन से शब्द से हम पहचान सकते हैं। सेंटेंस में ये शब्द होगा तो आपको ये पता चल जाएगा कि ये कर्ता कारक है, कर्म कारक है, करण कारक है, संप्रदान कारक है, अपादान कारक है, संबंध कारक है, अधिकरण कारक है या संबोधन कारक है। इसके 8 भेद है। अब 1 by 1 हम इसको बुक में अच्छे से विद एग्जाम्पल देखेंगे। तो संज्ञा या सर्वनाम का जो रूप क्रिया के करने वाले का बोध कराता है, कर्ता यानी क्रिया का करने वाला, तो उसे हम कर्ता कहते हैं। उसको ने चिन्ह से पहचाना जाता है। जैसे दिव्या ने श्रेया को कहानी सुनाई। अब इसमें हम कभी कभी ने नहीं लगाते तो भी मीनिंग आ ही जाता है। ऐसा भी एक एग्जांपल है, दिव्या श्रेया को कहानी सुना रही है, तो दोनों ही है। इसमें चिन्ह है, इसमें चिन्ह रहित है, पर जहाँ चिन्ह का प्रयोग हुआ है वो हमारा कारक है। सेकेंड है कर्म कारक।
कर्म यानी क्रिया का करने वाला। तो संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप पर क्रिया होने का जो प्रभाव है वो किस पे पड़ता है? कर्म पर पड़ता है। इसमें रोहित पिल्ले को ले आया, को जो है वो क्या है? उसका कारक है। और इसमें भी है कि इसमें कर कारक रहित है कि रोहित वह पिल्ला ले आया, तो वो भी सही है, दोनों ही सेंटेंस सही है। करण कारक, तो संज्ञा या सर्वनाम का जो रूप कर्ता को साधन का बोध करवाता है, किस चीज से उसने वो चीज किया उसका बोध करवाता है, के द्वारा या से उसका प्रयोग होता है इसमें। तो रमा ने साइकिल से 16 किलोमीटर की दूरी, इसमें से जो है वो क्या है? कारक। रमा ने साइकिल के द्वारा, दोनों ही वर्ड है उसका हम उपयोग करते हैं से यहाँ के द्वारा। नेक्स्ट हमारा है संप्रदान कारक। तो संज्ञा या सर्वनाम का जिस रूप यह ज्ञात हो जिसके लिए कुछ किया जा रहा है, किसी के लिए कुछ किया जा रहा है, तो इसमें दो लोग होंगे। राम ने विभीषण को लंका का राज्य सौंप दिया। राम ने विभीषण के लिए, ये दोनों वर्ड है से या अरे को या के लिए, तो यह जो है वो दोनों ही क्या है? हमारे संप्रदान कारक। अपादान, अपादान जो वर्ड है उसके मीनिंग होता है संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से किसी वस्तु के अलग होने का। अपादान यानी अलग करना, संप्रदान यानी किसी के लिए करना, कर्ण कारक यानी किसी की साधन का बोध, करण यानी साधन का बोध करते हैं, कर्म यानी किसी भी काम का बोध कराते। इस तरह से जो वर्ड है उसको आप समझे और उसी से ये चीज पता चलेगी। अब है अपादान कारक, तो जिससे साधन का, तो पेड़ से पत्ते गिर रहे हैं, उसी चीज से कुछ चीज अलग हो रही है, पेड़ से पत्ते क्या हो रहे? अलग हो रहे। अब गंगा नदी हिमालय, तो हिमालय से जो है वो गंगा नदी निकल रही है, तो हिमालय से अलग हो गई, और यहाँ भी पत्ते जो है वो पेड़ से अलग हो गए, तो वो अपादान कारक हो। अब संबंध कारक, तो संज्ञा या सर्वनाम के जिस रूप से संज्ञा शब्द को के साथ संबंध, इसका संबंध उससे जोड़ता है कि श्री कृष्ण वासुदेव एवं जानकी की 8वीं संतान थी। कृष्ण के साथ वासुदेव का संबंध जो है, वासुदेव और देवकी का संबंध जोड़ा गया है। कंस जो है वो किसका राजा था? मथुरा का राजा था। तो ये का जो है वो कौन है? संबंध कारक क्रियापद है। अब अधिकरण, तो जिससे हमें उसके समय का या स्थान का पता चलता है, तो जिसमें जंगल में अनेक पशु पक्षी रहते हैं, कहाँ रहते हैं? तो जंगल में। जंगल जो है वो स्थान है। सिकंदर संपूर्ण विश्व पर विजय प्राप्त करना चाहता था, तो विश्व क्या है? वो स्थान है। अब संबोधन, संबोधन यानी किसी को भी बुलाना। संबोधन में हे प्रभु, अरे, अरे, वाह, ये सब वर्ड्स का उपयोग होता है, उसे हम संबोधन कारक कहते हैं। इसमें आप एग्जाम्पल देखिए, हे प्रभु हर हम पर दया करो, दोस्तों अब मेरी बात ध्यान से सुनिए, काश हर शासक राम की तरह होता, बालक को सुर क्यों मचा रहे हो। तो ये जो वर्ड्स है वो आपको संबोधन कारक का ज्ञात करवाते हैं। इसमें मेन जो है, सभी लोग एक तो ये बॉक्स जो है उसे रिवाइज कर लेंगे, ये टेबल जो है उसको, और यहाँ पर मैंने दिया हुआ है डेफिनेशन। मेन जो चीज़ है इसमें से एग्जाम में आ सकती है, ये दोनों चीज़ आपको करनी है। ओके, बोर्ड पर जो है वो मैंने पहले आपको बता दिया, अब ये बुक को भी रेफर कर लेना। ओके, थैंक यू।